शक्तिमान तू ये समय यात्रा से वापस कैसे आ गया? अब दूसरे यंत्र की बारी है तमराज के लिविश, ये दो मुझे। ये यंत्र मैं तुझे कभी नहीं दूंगा शक्तिमान, कभी नहीं। दे दो ये। वो भाग गया शक्तिमान, अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? शक्तिमान, मैंने किलविश के कपड़े पर टोही यंत्र लगा दिया था, अब वो हमें उसकी दिशा बता रहा है। गीता जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? और वो कौन था जिसे शक्तिमान फाइट कर रहा था? वो किलविश था। कौन किलविश? देवी जी, देर करना उचित नहीं होगा, हमें चलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये सब कुछ आपको बाद में पता चल जाएगा मिस्टर कुमार। शक्तिमान, हमें ले चलो, हमें टोही यंत्र से निकली तरंगों का पीछा करना है। हाँ ठीक है, आओ। शक्तिमान तो एक बार फिर जीत गया। नहीं शक्तिमान, वो किलविश का पाप क्षेत्र है, वहां तुम मत बढ़ो। पाप क्षेत्र? हाँ, तुम किलविश के पाप क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर तुम वहां जाओगे ना तो शक्तिहीन हो जाओगे। शक्तिहीन? वो कैसे? ओहो शक्तिमान, ये बातें हम नीचे उतर के भी कर सकते हैं ना। पहले हमें नीचे उतारो, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। ठीक है। हाँ तो तुम किस पाप क्षेत्र की बात कर रही थी गीता? तुम्हें अभी किलविश के इस पाप क्षेत्र के बारे में नहीं पता है शक्तिमान। 3 साल पहले तक शक्तिमान को किलविश के इस पाप क्षेत्र के बारे में नहीं पता था। लेकिन तुम कैसे इस पाप क्षेत्र को जानती हो? ये जानती है क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य की गीता है शक्तिमान। जो बातें तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं, वो सब इनके साथ हो चुकी हैं। हाँ शक्तिमान, तुम किलविश के पाप क्षेत्र के बारे में 6 महीने बाद जानोगे। 6 महीने के बाद? लेकिन कैसे? दरअसल 6 महीने बाद तुम्हें शहर शहर में रहस्यमय परछाई का आतंक देखने को मिलेगा। Oh
तो हमें 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 सिर्फ पवन पुत्र हनुमान बचा सकता है। अरे हनुमान जी बचाइए 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 हनुमान जी बचाइए। देखिए जरा देखिए पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे हैं परछाई के साथ। उल्लू बना दिया। वो परछाई दरअसल रुआक्ष ग्रह से आए रुआक्षिनों की स्पेसशिप की होगी। स्पेसशिप धरती पर? हाँ शक्तिमान, वो रुआक्षिन धरती पर आएंगे शक्तिपुंज की तलाश में, ताकि उस शक्तिपुंज की मदद से वो उन भावनाओं को, प्राचीन भारतीय ज्ञान को जान सके जिसे वो भूल चुके होंगे। हाँ, इन रुआक्षिनों के बारे में मैं भी जानता हूँ शक्तिमान, मेरे समय के सारे बच्चों को भी इनके बारे में पता है। हमने इन्हें शक्तिमान की पुस्तकों में से पढ़ा है। इन्होंने शक्तिमान की वही पुस्तकें पढ़ी होंगी जो हम अब छापने जा रहे हैं। लेकिन रुआक्षिनों से उस पाप क्षेत्र का क्या रिश्ता? मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें वहां से बताती हूँ जब मैंने रुआक्षिनों की स्पेसशिप को पहली बार देखा था। उसके बाद मैं उनके मदरशिप में गई जहां पर मैंने उनके सुपर कंप्यूटर को देखा था। मतलब तुम्हारे समय के हिसाब से मैं ये सब कुछ 6 महीने बाद देखूंगी। क्या सोच रही हो? हाँ? वो क्या ये लोग पृथ्वी पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमने पृथ्वी वासियों को जितना वक्त दिया था वो खत्म होने वाला है। उन्होंने अभी तक नहीं लौटाया हमारे साथी को। कहाँ है तुम्हारा वो शक्तिमान? तुम तो कहती थी वो हमारे साथी को लेकर वापस जरूर आएगा। हाँ वो आएगा, जरूर आएगा, वो पृथ्वी पर विनाश कभी नहीं होने देगा। मगर ऐसा लगता नहीं है, उसे अगर आना होता तो अब तक आ चुका होता। नहीं नहीं, वो जरूर आएगा और आपके साथी को भी सही सलामत ले आएगा। समय रहते हमारा साथी हमें वापस मिल जाए तो ठीक है, वरना पृथ्वी वालों को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी पर तबाही होकर रहेगी। फिर वहाँ जैकॉल भी आएगा। वही जैकॉल जिसने अभी अभी समर कैंप में जौक जौक और केकड़ा मानव बनाया था? हाँ वही जैकॉल, और वो रुआक्षिनों को तुम्हारा दुश्मन बना देगा। शक्तिमान? अरे ये किसका नाम ले रहे हैं आप? शक्तिमान भला ये काम क्यों करेगा? अरे वो तो शैतान है, शैतान। अपनी शैतानी से उसने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर रखा है। ये देखिए, वो तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। घबराओ मत, वो हम तक पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा। शक्तिमान
आपका असली साथी और वो रोवाक्षिन इसका क्लोन है जिसे जयकाल ने बनाया है। सत्य सत्य तमिलु तमिलु। जल्दी से अपने अंदर छिपे हुए जहर से शक्तिमान और सुपर कंप्यूटर दोनों को नष्ट कर दो। शक्तिमान ये क्या, तुम वहां कैसे? मेरी शक्ल? हाँ शक्तिमान, तुम्हें हूबहू अपनी शक्ल से मिलता जुलता एक चित्र दिखाई देगा। हाँ वो चेहरा श्री सत्य का होगा जो सूर्यवंशियों के पहले महागुरु थे, लेकिन तुम उनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाओगे शक्तिमान। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि तुम कुछ जान सको, किल्विश अपने पाप किरणों से तुम्हें, मुझे और वाक्षिणों को अपने पास खींच लेगा। बधाई हो शक्तिमान, बधाई। आखिर तुम अंधेरे के गुलाम बनने चले आए। कौन हो तुम? अंधेरे का राजा हूं मैं, तमराज किल्विश हूं मैं। हाँ मैं जानता हूं तुम्हें वो किल्विश हो जो इस दुनिया में पाप फैला रहा है। अच्छा हुआ जो मेरा सामना तुमसे हो गया, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश है तमराज किल्विश। अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा मान, क्योंकि दुनिया में पहले से ही है अंधेरा। तुम भूल रहे हो किल्विश, अंधेरे को खत्म करने के लिए ही पैदा की है ईश्वर ने रोशनी। रोशनी की छोटी सी किरण काफी होती है अंधेरे को फेंकने के लिए, और शक्तिमान उसी रोशनी की एक छोटी सी किरण है तमराज किल्विश। आज तुम्हें इस संसार से मिटना ही होगा, मिटना ही होगा। अंधेरे को मिटाने चले थे। और आते ही गलती कर बैठे, क्रोध में आ गए थे, और क्रोध अंधेरे का पहला साथी होता है। बधाई हो शक्तिमान, बधाई हो, तुम अंधेरे के नजदीक आने लगे हो। ये क्या हो रहा है मुझे?
मेरी ताकत कम क्यों होती जा रही है? कैसी किरणें हैं ये? ये किरणें नहीं, पाप की शक्ति है। कलियुग की शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी पापी हुए हैं, उन सब की पापी आत्माएं कैद हैं इस गोले के अंदर, और यही तुम्हारी काट है। इसके सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय मजबूर होने के। सच कभी मजबूर नहीं हो सकता है किलवेश, सच कभी मजबूर नहीं हो सकता। तुम अपने पाप से मेरे शरीर को कष्ट जरूर पहुंचा सकते हो, मगर मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते किलवेश, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा को न तो कोई शस्त्र ही काट सकता है, आग जला सकती है। आत्मा अजर है किलवेश, आत्मा अमर है। इसीलिए तो इंसानों की आत्माओं से संबंध रखता है तमराज किलवेश। काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर मेरे इन्हीं अनचरों के द्वारा मैं पहले इंसान की आत्मा को पापी बनाता हूं, और पापी बनने के बाद ये आत्माएं मेरी गुलाम बन जाती हैं, और हर गुलाम बनने वाली आत्मा के साथ साथ मैं हो जाता हूं और भी अधिक शक्तिशाली। ये देखो, तुम सिर्फ उन्हें ही अपना गुलाम बना सकते हो तमराज किलवेश, जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास होगा, जिसे सच का एहसास होगा, वो तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनेगा किलवेश, तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनेगा। तुम देखना कि तुम्हारे जरिए मैं रोशनी को किस तरह अपना गुलाम बनाता हूं। शक्तिमान छोड़ दो मुझे। शक्तिमान नहीं, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम वहां जाओगे ना तो शक्ति ही हो जाओगी, और फिर किलवेश के कैद में चले जाओगे। लेकिन तुम मुझे आगे तो बताओ, आगे क्या? आगे क्या? किलवेश के क्षेत्र से निकलकर हम कहाँ जाएंगे? शक्तिमान, भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो और ये सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा समय यंत्र तो अभी भी किलवेश के पास है। इसके अलावा हमें किलवेश से ये भी जानना है कि उसने शक्तिमान को किस समय में भेज दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे वहाँ जाए बगैर कुछ नहीं होगा गीता, मुझे ये खतरा उठाना ही होगा। आओ मेरे साथ। अति उत्तम शक्तिमान, अति उत्तम। मेरा टोही यंत्र वहाँ की ध्वनिया भेजने लगा है, अब हम वहाँ जाए बगैर उनकी बातें सुन सकते हैं। आओ उनकी बातें सुनो शक्तिमान। अंधेरा कायम रहे तो तुम आ गए मेरे भविष्य। स्पष्ट सुनाई दे रही है उनकी आवाज, स्पष्ट सुनाई दे रही है शक्तिमान। भविष्य का किलवेश वर्तमान के किलवेश के साथ है, सुनो क्या कह रहे हैं वो। तो समय यात्रा पर भेजने के बाद भी वापस आ गया है शक्तिमान। हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे, ये नहीं हो सकता है। समय यात्रा पर गया कोई शख्स समय यंत्र के बिना वापस नहीं लौट सकता है, फिर शक्तिमान कैसे वापस लौट आया? कैसे? उसे जरूर किसी की मदद मिली होगी, लेकिन किसकी? सूर्यांशी ही उसकी मदद कर सकते हैं। ये बताया था तुमने, तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढते हुए सूर्यांशी ही यहां आने वाले थे। हाँ, एक सूर्यांशी बच्चा आया है भविष्य से, मुझे भविष्य में वापस ले जाने के लिए, लेकिन मेरी ताकत के सामने कमजोर है वो, मुझसे डर कर भाग गया। तो फिर उसी सूर्यांशी बच्चे ने शक्तिमान की मदद की होगी भविष्य से। नहीं, वो भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? उसके पास भी तो समय यंत्र है।
समय यंत्र के बावजूद भी शक्तिमान को समय यात्रा से वापस नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैंने शक्तिमान को किस समय में भेज दिया है। बिना इसका पता चले वो उस समय में जा ही नहीं सकता है जहां मैंने शक्तिमान को भेजा है, और बिना उस समय में गए वो शक्तिमान को वापस ला ही नहीं सकता है। लेकिन शक्तिमान को तुमने भेजा किस समय में था? उसी समय में जब पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था, सौर मंडल के किसी भी ग्रह का जन्म नहीं हुआ था, उसी समय के अंतरिक्ष में भटकने के लिए भेज दिया था शक्तिमान को। सौर मंडल के ग्रहों के जन्म से पहले? लेकिन फिर उस युग से बिना किसी मदद के वापस कैसे आ गया वो? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरी समझ में। नहीं, उसे कोई ना कोई मदद तो मिली होगी, और ये मदद सूर्यांशियों से ही मिली होगी। शक्तिमान को बचा नहीं पाएंगे सूर्यांशी, अब अंधेरा उसे वहां जाकर मारेगा जहां सूर्यांशी पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारा मतलब कहां जाना चाहते हो तुम? आज से 25 वर्ष पूर्व संवत 2032 वैशाख मास की अमावस्या की रात का दूसरा पहर 3 घड़ी, यही वो दिन था जब काशी के जंगलों में वो बच्चा अरुंधति के साथ था और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे अंधेरे के शैतान। वो तो नहीं मार पाए, लेकिन मैं जाकर अतीत में शक्तिमान को खत्म कर दूंगा। अगर वो अतीत में खत्म हो गया तो वर्तमान में अपने आप खत्म हो जाएगा, चारों ओर कायम रहेगा अंधेरा पाप जो शक्तिमान की वजह से कम होता जा रहा है। मुझे उसे बचपन में जाकर खत्म करना होगा, उसे बचपन में जाकर खत्म करना होगा। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है शक्तिमान। ये आत्मशक्ति है दुनिया बदल सकती है, शोलों से जल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान शक्तिमान अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है।